दो छोटी छोटी घटनाएं बताऊं आपको। जब उस समय साहू श्यांस जी हुआ करते थे, अब तो नहीं रहे, सन 1978 की बात है, 78, हम उस समय गृहस्थ में आचार्य महाराज के दर्शन करने और नैनागिर जाया करते थे। उस समय नैनागिर जैसा था आज तो कई गुना बड़ा हो गया। उस समय तो उतनी फैसिलिटी थी नहीं, थोड़े से कमरे थे और बाहर दहलान थी, बारिश के दिनों में बहुत मुश्किल होती थी। और चतुर्मास के समय में श्यांस जी साहू जी वहां पहुंचे। उनका हालांकि पहले से ही प्रोग्राम बन गया और सारी कोशिशों के बावजूद भी उन जैसे व्यक्ति को भी नैनागिर में वो कमरा नहीं मिला। इतने बड़े होने के बाद भी मजा तो तभी है, वैसे तो मजा तभी है, लेकिन अब मजा नहीं आता। अब तो पहले से एसी रूम पहले से रिजर्व होकर के, अब तो लोग अगर तीर्थ क्षेत्र पे अपना कमरा अपने नाम से बनवा देते पैसा देकर, तो फिर वो उनको जब भी मेला आएगा तो उनको मिलेगा। मतलब अभी भी डोनेशन नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट अभी भी उससे, अभी दे दिया लेकिन छूटा नहीं। अभी अभी मैंने बनवाया था, मैं जाकर के वहां रुकूंगा, जबकि होना ये चाहिए था कि उसमें तो रुकूंगा ही नहीं, अब मेरे लिए वो निर्माल है, अब दे दिया गया है, मैं उसका उपयोग ही नहीं करूंगा, मैं तो किसी अन्य में रुकूंगा, मैं स्वयं अपने बनाए हुए कमरे में जाके रुकूंगा ही नहीं तो निर्माल का भोग कहलाएगा और मुझे नरक आयु बंधेगी या अंतराय कर्म बंधेगा। ये ध्यान ही नहीं जाता किसी का भी, थोड़ा ध्यान चला गया अभी, करे ऐसा भी हो सकता है। हाँ लिखा ही ऐसा है, रेण सार जी पढ़ो, कुन कुन स्वामी का उसमें लिखा है, जो अपने द्वारा दी गई दान की वस्तु का स्वयं उपयोग कर ले वे नरक का भागी या कि अंतराय कर्म का, और विकलांग होने के चांसेस है, ये लिखा उसमें। पढ़ करके बड़ा आश्चर्य लगता है, अपन की अज्ञानता की वजह से कई ऐसी चीजें अपन कर लेते हैं, अपन को खुद नहीं मालूम, बाद में बड़ा पछतावा होता है, लेकिन आचार्यों ने सब लिखा है इस तरह का सावधानी बरतने के लिए। बात में आ गई तो मैंने आपको वो बात बता दी, नहीं तो मैंने सोचा नहीं था इस तरह से। बात एकदम आ गई तो ध्यान आ गया कि अपन ऐसा कर लेते हैं कई बार, उनके लिए कमरा नहीं मिला और बाहर पर्ची में दहलान में और फर्श बिछा दिया, उसी पे जाके बैठे और मुनीम साहब और सब खड़े हैं, अध्यक्ष अध्यक्ष क्षेत्र के, कि अब क्या करें, कोई भी कमरा खाली नहीं कर रहा है। अब उनको कोई ऐसा थोड़ी है कि आप आए हो सो दूसरे का सामान बाहर करके और आपको जमाएं, ऐसा तो अच्छा भी नहीं लगता। कोई भी हो कमरा उसका रुका है वो, अब तो कहने लगे नहीं नहीं बहुत अच्छा है यहीं बैठते हैं, और बैठ गए वहीं पर सब कुछ। और उन्होंने कहा कि हम तो आचार्य महाराज को आहार देंगे, बहुत अच्छा तैयारी हो गई आहार की, आचार्य श्री को आहार दिया, हमारे सामने की बात है। बहुत अच्छा लगा था उस दिन जब इस तरह कोई करता है तो आहार दान देने के बाद उनकी भोजन की बड़ी स्पेशल व्यवस्था थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वहां नहीं जाऊंगा, आज तो जिस चौके में आचार्य महाराज ने जो आहार किया है वही करने का मन है, और आचार्य महाराज तो नमक और मीठा लेते ही नहीं। अब बिना नमक का और बिना मीठे का जो भी सामान था, सब्जी रोटी, सब प्रेम से उनने खाई, जैसा इसमें लिखा है कि पहले वह भोजन मुनि को देकर वही भोजन, ऐसा नहीं कि अपना बाद में फिर बढ़िया से मसाला वसाला डाल करके बढ़िया से खा, सब ऐसे ही करते, सब करते ना, पकड़ में आ गए सब। हाँ ऐसा लिखा उसमें, क्यों लिखा उसमें गाथा में, समझने की चीज है कि फिर उसको ज्यों का त्यों वो खा लेना जो बचा हुआ है। तो उन्होंने वो ही खाया, सब तो बड़े संकोच में थे, काहे क्यों संकोच में थे, पदाधिकारियों को संकोच क्यों होता जब कोई ऐसा कर ले बड़ा आदमी, तो क्यों, क्योंकि अब क्या पता जाते समय पैसा लिखवाऊ के नहीं, काहे से अच्छी व्यवस्था नहीं भाई, अच्छी व्यवस्था देने के पीछे उद्देश्य क्या हो गया। आज के समय में इतनी फैसिलिटी दी जाती है क्षेत्रों पर, उसका कारण क्या है, अच्छी फैसिलिटी दोगे तो पैसा खूब मिले। हाँ
उसका धर्म ध्यान हो चाहे न हो, धर्म ध्यान के लिए फैसिलिटी देना बहुत अच्छी चीज, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप अच्छे से धर्म ध्यान करो, निश्चिंता पूर्वक आपको शुद्ध भोजन मिलेगा, आपको भोजन बनाने की भी चिंता नहीं करना, आप तो पूजा करो बढ़िया 11 बजे तक, ये बात अलग है, ये नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन हम और दूसरी, हमारा उद्देश्य अगर हम विचलित हो जाते हैं तो क्या होता, वो पदाधिकारी हाथ जोड़े खड़े, लेकिन वो प्रसन्न है कि बहुत अच्छा आनंद आया, फिर बाद में आचार्य श्री का प्रवचन हुआ, उसके पहले 2 मिनट वो बोले और उसमें उन्होंने यही कहा कि आज तक मेरी जिंदगी 60-65 साल की निकल गई, मैंने एसी में बैठ करके और एक से एक भोजन किए हैं, लेकिन आज जैसा भोजन ऐसे बाहर दहलान में खुले में बैठ करके, और वो भी मुनि जनों का खाया जाने वाला बिना नमक का भोजन किया, ऐसा तो मैंने कभी भी आनंद नहीं दिया। ये उनके अपने स्वयं के उद्गार थे। उससे अपन को, इससे अपन को क्या प्रेरणा लेनी चाहिए कि यह जो आहार दान की प्रक्रिया है, यह 4 प्रकार का कोई भी दान है, उस दान के पीछे भावना कैसी है, ये भावना अगर हमारे भीतर है